हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुक ऐशा। आज आपके साथ मैं दो रेसिपीज शेयर करूंगी। पहली इंस्टेंट मिल्क मेड की रेसिपी, जिसे कंडेंस मिल्क भी कहा जाता है, और दूसरी बाउंटी बार चॉकलेट रेसिपी। दोनों ही रेसिपीज बहुत आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंस्टेंट मिल्क मेड बनाएंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप नीम गर्म पानी और 1 टीस्पून घी। अब ग्राइंडर जार में शुगर, मिल्क पाउडर और नीम गर्म पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करना है, और इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा और नीम गर्म पानी डालकर फिर से ग्राइंड करेंगे। अब हमारा होममेड कंडेंस मिल्क तैयार है, और इसका टेस्ट और टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट वाले कंडेंस मिल्क की तरह ही है। अब इसे किसी भी एयरटाइट ग्लास जार में निकाल लेंगे, और यही कंडेंस मिल्क हम सेकेंड रेसिपी में यूज करेंगे। बाउंटी बार चॉकलेट बनाने के लिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट में थोड़ा थोड़ा करके होममेड कंडेंस मिल्क डालकर इसे कंबाइन करेंगे, जब तक कि डो फॉर्म में ना आ जाए। अब ये डो फॉर्म में आ चुका है। मैं इसे बॉल्स और सिलेंड्रिकल शेप में तैयार कर रही हूँ। आप इसे जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो। हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, और तब तक इसकी कोटिंग के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब इस कोकोनट बार को चॉकलेट में डिप करके अच्छी तरह से कोट करेंगे। और कोकोनट बॉल्स को भी इसी तरह से कोट करेंगे। सारे चॉकलेट्स की कोटिंग हो चुकी है। इसे और अच्छा लुक देने के लिए चॉकलेट को कोन में पोर करके इस तरह से ड्रिजल्स बनाएंगे। अब इन चॉकलेट्स को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे। और अब हमारे डिलीशियस से बाउंटी बार चॉकलेट्स और बॉल्स तैयार हैं। इस तरह से आप घर पर ही इसे इजीली बना सकते हो, और बच्चों के लिए होममेड चॉकलेट्स तैयार कर सकते हो। तो आप भी इस बाउंटी बार चॉकलेट रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आई होप आपको ये दोनों रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।